Hello everyone, this is Ayush Upadhyay and welcome to our channel Learn to Learn. And here this is the vocab session number 13 for you. So let's start it with the very first meaning, that is affluent. Affluent is used as an adjective in the part of a speech and its meaning is like you are a rich or abounding in wealth, prosperous, flowing freely or opulent. These sare meaning rakhte hain aap. अमीर एक तरीके से हम बोल सकते हैं, रिच या टीमिंग. एंड इम्पोवरिज्ड, इम्पोवरिज्ड मींस लाइक और द मिडिल क्लास थिंग और द पॉवर्टी वाली जो चीज़ होती है, दैट मीनिंग इज दिस. एग्जांपल इज बिकॉज द मैन वाज सो एफ्लुएंट, ही वाज एबल टू डोनेट लार्ज सम्स ऑफ मनी टू द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स जो मैन है वो काफ़ी ज़्यादा एफ्लुएंट है, मीन्स ही हैज़ अ वेरी बिग वेल्थ और वेरी हेल्दी वेल्थ वी कैन से. So he was able to donate large sums of money to the organization. And the second meaning that we have is antiquity. Antiquity is used as a noun in the part of a speech. Its meaning is like the quality of being ancient. Means एक कोई चीज़ है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, उसको आप बोलते हो कि इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा obsolete हो चुकी है, out of date हो चुकी है, ancient है. So synonym is ancient times. And antonyms like the updated version of something, new and latest. Example is many scholars spend years studying the records left from antiquity. Means काफ़ी ज़्यादा scholars जो हैं उन्होंने study कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी years जो हैं अपनी spend की हैं उन चीज़ों को, उन records को जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं उनको study करने में. The third meaning that we have is blandishment, and it's also used as a noun and its meaning is like a flattery. Flattery means like who wants a pleasant things in life, like pleasing statements or action used as a means of gently persuading someone to do something. Means किसी को मनाना कुछ चीज करने के लिए, like that. Sycophant is also the similar meaning for that. Antonym is reserved. Example is due to the salesman's blandishments and the customer bought the jacket. Means किसी को आपने कन्वीन्स कर दिया कि वो चीज़ उसको लेनी पड़ी है, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं. ब्लैंडिशमेंट, प्लीजिंग समवन, बाय योर स्टेटमेंट, बाय योर एक्शंस, पर्सुएडिंग समवन टू डू समथिंग, टू बाय समथिंग, यू कैन से लाइक दैट. द फोर्थ मीनिंग दैट वी हैव इज चेस्टन. इट इज यूज एज अ वर्ब इन द पार्ट ऑफ स्पीच. इस मीनिंग इज लाइक टू डिसिप्लिन, टू यूज पनिशमेंट और टू करेक्ट बिहेवियर. मीन्स किसी का बिहेवियर आपको करेक्ट करना है, देन यू हैव टू गिव हिम पनिशमेंट लाइक दैट फॉर करेक्टिंग हिज बिहेवियर, टू मेक हिम इन अ डिसिप्लिनरी वे. सो सिनोनिम्स इज एडमोनिश एंड एंटोनिम इज रिवॉर्ड, टू अप्रिशिएट हिम फॉर द थिंग दैट ही हैज डन. अगर कोई चीज़ उसने की उसके लिए आप उसको अप्रिशिएट करो, प्रेज करो, दैट वी कॉन्ट टू रिवॉर्ड. एग्जाम्पल है, आई वॉज चेस्टोन्ड By my mother for not cleaning up my room. Means उसने अपना रूम क्लीन नहीं किया, उसकी वजह से उसकी मदर ने उसको करेक्ट करने के लिए, उसका बिहेवियर सही करने के लिए, दैट ही कैन डू हिज, वी कैन से ही कैन क्लीन अप हिज रूम डे बाई डे लाइक दैट. सो फॉर दैट हिज मदर चेस्टन इज हिम. फिफ्थ वर्ड है हमारे पास सिविलिटी, जो कि एक नाउन की तरह यूज होता है. इसका मतलब है पोलाइट एंड कर्टियस बिहेवियर. मीन्स द person who is very generous, kind, in a proper behavior, in a polite way, okay, that kind of thing is civility. Means educated person, like that also we can say. Antonym is rudeness, boorishness and impoliteness. Examples hain, diplomats are expected to display a great deal of civility in their interaction with वन अनदर. ये जो डिप्लोमेट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी वो चीज़ कर रहे हैं विथ सिविलिटी की करें, यानी कि जो भी डील हैं सिविलिटी के साथ, इंटरेक्शंस जो हैं उनके साथ, वो सिविलिटी के साथ इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर बिहेवियर लाइक दैट. सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कॉन्जीनियल. कॉन्जीनियल इज यूज एज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट ऑफ स्पीच. इस मीनिंग इज लाइक कैरेक्टराइज बाई फ्रेंडली सोशबिलिटी. मीन्स यू आर वेरी कंपैटिबल, लाइक we are using this word in the computer section. So they are compatible ho, aap kisi ke sath ghulne wale hain, attractive ho, is tarike se bol sakte hain. So compatible, consonant, genial, pleasant and attractive. And antonyms are like unpleasant.
एग्जाम्पल द फैमिली डिसाइडेड टू सेटल इन द कॉन्जीनियल लिटिल टाउन, मीन्स जो टाउन है उनके लिए अट्रैक्टिव लाइक दर कंपैटिबल है थोड़ा, ठीक है, जहाँ पे सोशलिटी है एंड वी कैन से फ्रेंडली नेचर वाले जो लोग हैं तो वहाँ पे वो कंपैटिबल है, थोड़ा कंजीनियल एरिया है वो. सेवेंथ वर्ड वी हैव डेफ्ट दैट इज यूज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट ऑफ स्पीच, इट्स मीनिंग लाइक एड्रॉइट, यू आर वेरी एड्रॉइट, स्किलफुल, यू कैन डू the things very you can say आपके पास creativity है, very creativeness you can use or you are doing something very creative, so उस चीज़ के लिए आप बोल सको deft. And synonym बनते हैं like clever, cunning, dexterous or ingenious, so these are the words for it. Antonym is clumsy, means the lazy person and he is not very skillful, he is not that clever. And examples are like he was very deft in handling the questions from the reporter, means वो काफ़ी जो भी question reporter के द्वारा पूछे जा रहे थे तो उनको वो handle करने में काफ़ी deft था, चालाकी या cleverness दिखा रहा था, skillful. Next word that we have is dispatch. Dispatch I think you have listened many times in your daily routine or you can use this word. So it is used as a verb in the part of speech, its meaning is to send away with promptness or speed, quickness. किसी चीज़ को स्पीड में करना, quickness means काफ़ी जल्दी से करना, haste जिसको आप बोलते हो hastily करना, तो haste एक मीनिंग होता है, एक्सपीडियंशी भी सेम मीनिंग रखता है. एंटोनिम इज टू डिले, स्लोनेस या इनएफिशियंसीज, यू हैव स्लोवेनली लाइक थिंग्स, यू आर वेरी स्लजेस, सो फॉर दैट वी कैन से टू डिले, स्लोनेस और इनएफिशियंसी. एग्जाम्पल्स आर लाइक द ऑफिसर डिस्पैच्ड हिज ट्रूप्स टू द सीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स ट्रूप्स जो होते हैं आर्मी को हम ट्रूप्स कहते हैं, तो द ऑफिसर डिस्पैच्ड हिज ट्रूप्स, क्विकनेस के साथ वहाँ पर उनको भेजा, जो भी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस सीन के अंदर वहाँ पर जल्दी से उन्होंने भेजा. द नाइन्थ वन डैट वी हैव इज एम्ब्रॉयल. एम्ब्रॉयल इज यूज लाइक अ वर्ब इन द पार्ट ऑफ द स्पीच एंड दिस मीनिंग टू थ्रो इन टू कन्फ्यूजन, किसी चीज़ को एकदम एंटेंगल कर देना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर देना सिचुएशन को, तो एंड एंटोनिम है, देखो इसका सिनोनिम एक और बन सकता है टू हैम्पर, काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहे हो उस कंडीशन को लेकर आप, तो एंटोनिम आ जाएगा टू अनहैम्पर, टू फ्री. एंड एग्जाम्पल्स आर लाइक द टीन सीनेटर्स आर एम्ब्रॉयल्ड इन एन आर्ग्यूमेंट ओवर रेजिंग टैक्सेस, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन वहाँ पर बन गई है, जो आर्ग्यूमेंट वहाँ पर हो रहा है टैक्सेस को लेकर. ओके सो वी कैन यूज दिस वर्ड लाइक दैट. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज टेंथ वन, दैट इज एक्सपोगेट. ये एक वर्ड की तरह हम इसको यूज करते हैं, इसका मतलब होता है टू रिमूव ऑब्सीन और ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, यूजली बिफोर पब्लिकेशन, लाइक इफ अ पर्सन इज डूइंग अ स्टैंड अप कॉमेडी एंड ही यूज सम लाइक अनहोली वर्ड्स फॉर द सैक्रेड थिंग्स, सो फॉर दैट आई थिंक वो लोगों को वो चीज़ें हटानी पड़ती हैं फिर बाद में, बिकॉज ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं वो, अगर वो लगाते तो आई थिंक आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी इस चीज़ के अंदर फंसे हैं, तो फॉर दैट दिस वर्ड इज़ यूज एक्सपर्गेट, मतलब ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें जो हैं, मटेरियल्स जो हैं, आपने पब्लिकेशन से पहले ही उनको रिमूव कर दिया. सिनोनिम बनेगा टू रिमूव ऑब्सीन. एंटोनिम टू इंक्लूड, मीन्स उन चीज़ों को इंक्लूड किया, कोई भी चीज़ है उसको इंक्लूड करके चल रहे तो वो चलेगा एंटोनिम की तरह. एग्जाम्पल है द सेंसर्स फेल्ट दैट सर्टेन वर्ड्स नीडेड टू बी एक्सपर्गेटेड फ्रॉम द बुक, मीन्स इफ समबडी हैज़ पब्लिसाइज दिस बुक, सो फ्रॉम दैट बुक दे वॉन्ट टू रिमूव सम एक्सपर्गेट, मीन्स दे वॉन्ट टू एक्सपर्गेट सम वर्ड्स फ्रॉम दैट बुक, दैट इज नॉट लाइक दे दोज वर्ड्स आर नॉट फिट और दोज वर्ड्स आर ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल लाइक दैट. The next word that we have is 11th corner. It is used as a part of a speech, is verb. And it's used like for collecting or gathering the things. Means amass, aap bol sakte ho, assemble like in computer language we can use like this. If you are buying the parts of the CPU and then you are attaching or making or that thing, the whole thing you are making by assembling the different kinds of different companies parts in it. सो यू कैन से आपने वो गैदर किए, आपने कलेक्ट किए वो पार्ट डिफरेंट कंपनीज के एंड आपने एक सीपीयू को असेंबल कर दिया, तो आप बोल सकते हो. एंड कलेक्ट करना, सिनोनिम बनेगा टुगेदर या गैदर करना,
टू स्टोर अप, किसी चीज़ को स्टोर करना इस तरीके से, एंड उन्होंने मैंने कहा टू डिस्पर्स, किसी चीज़ को फैला देना। एग्जाम्पल है आई विल नीड टू गार्नर ऑल माई एलीज इन ऑर्डर टू विन द बोट, मीन्स आप वो चीज़ सभी चीज़ों को वो गार्नर कलेक्ट करना चाहता है, अगर उसको वोट से अच्छे वोट से जीतना है आप बोल सकते हो ऑर्डर टू विन दिस वोट, इस वोट को अगर आपको जीतना है तो। द 12th मीनिंग दैट वी हैव इज हेरेटिकल, दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट ऑफ द स्पीच, इट्स मीनिंग इज लाइक कंट्रेरी टू द चर्च डॉक्ट्राइन, मीन्स द बिलीव्स दैट आर नॉट करेक्ट, आई कैन से दैट, तो जो कि करेक्ट नहीं है बट यू हैव टू बिलीव ऑन दैट, तो कंट्रेरी है उसके अंदर बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो उन्होंने मैंने कहा एक्सेप्टेड बिलीव्स ऑन स्टैंड और स्टैंडर्ड्स, एंड एंटोनिम सोने का सैक्रेड, सैक्रेड मीन्स लाइक होली थिंग्स दैट आर प्रॉपर बिलीव्स आर देयर इन इट। एग्जाम्पल है हिज हेरेटिकल स्टेटमेंट्स वर ऑफेंसिव टू मैनी बिलीवर्स, जो भी उसके हेरेटिकल स्टेटमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव थे काफ़ी ज़्यादा बिलीवर्स के लिए, मीन्स कंट्रेरी आप उस चीज़ के विरोध में बोल रहे हो अपोजिट में बोल रहे हो तो वो हेरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, फॉर द सैक्रेड थिंग्स वी कैन से, सो यू हैव टू यूज़ अ प्रोफाउंड लैंग्वेज देयर। 13.1 जो है हमारे पास वो है आइकनोक्लास, एट इज यूज एज अ नाउन इन द पार्ट ऑफ स्पीच, इट्स मीनिंग इज वन हु अटैक्स एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, मीन्स सेम एज हेरेटिकल आप बोल सकते हो, जो कि एक तरीके से बिलीव्स पे इंस्टीट्यूशंस पे अटैक कर रहा है अपने वर्ड्स के थ्रू, लाइक दैट हेरेटिक, या आप बोल सकते हो वोहिमियन, सिनोनिम है वोहिमियन, वोहिमियन जो अपने रूल्स फॉलो करे किसी और के ना करे इस तरीके से, एंड डिसिपल जो कि उसको समझे बिलीव को अपने पास राइट तरीके से समझे उसको आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल है द चर्च इज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक बाई आइकनोक्लास, जो चर्च है वो अटैक मीन्स आप बोल सकते हो काफ़ी लोग उसके बारे में कुछ कंट्रेरी पार्ट्स बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो आइकनोक्लास के थ्रू करेक्ट किया जा रहा है, तो एज अ नाउन हम उसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इररिप्रोचेबल, जिसको हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, इसका मतलब है फॉल्टलेस, मीन्स आपके अंदर कोई भी मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो, यू आर फॉल्टलेस, कोई भी गलत नहीं है कुछ भी, सो आप बोल सकते हो। एंड सिनोनिम इज फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी भी ब्लेम से आपको फ्री कर देना, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो इररिप्रोचेबल, इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह अभी यूज़ करें। एंटोनिम है रॉन्ग या फॉल्टी, कोई चीज़ रॉन्ग है या फॉल्टी है तो यहाँ हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल बनेगा द विमन्स मोरल्स आर सो हाई दैट शी इज़ इररिप्रोचेबल, मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो मोरालिटी है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उसकी वजह से वो इररिप्रोचेबल फॉल्टलेस है। नेक्स्ट मीनिंग दैट वी हैव इज 15th मर्क्यूरियल, एक एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है चेंजिंग अनप्रेडिक्टेबल या फिकल, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ लाइक एकदम से चेंज उसके नेचर में चेंज, या कोई भी किसी भी चीज़ में एकदम से चेंज हो जाता है, जैसे सडन चेंज जिसको हम बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, चेंजिंग अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा लगा नहीं था कि चेंज होगा, अनप्रेडिक्टेबल चेंज है, तो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं मर्क्यूरियल। लाइक कैप्रिशियस इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इनकॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं, अनस्टेबल है कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी होती है तो वो चीज़ में चेंज नहीं आता, बट इफ़ द थिंग इज अनस्टेबल सो इट हैज़ कॉन्टिन्यूसली चेंजेस, लाइक फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। एंटोनिम जो है इसका स्टॉलिड, जिसमें चेंजेस नहीं होंगे। एग्जाम्पल बनेगा इसका ड्यू टू हिज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट एम्प्लॉयज ऑलवेज अप्रोच्ड हिम केयरफुली अनश्योर ऑफ व्हाट हिज मूड वुड बी, मींस उसका मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, बदलता रहता है, कुछ भी कर सकता है एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के साथ यहाँ पर मीनिंग आ रहा है, तो एम्प्लॉयज ऑलवेज अप्रोच्ड हिम केयरफुली, एम्प्लॉयज हमेशा उसके पास अगर जाते हैं कुछ भी चीज़ लेकर या कुछ भी इशू को लेकर तो वो चीज़ वहाँ पे केयरफुली करते हैं, एंड अनश्योर ऑफ व्हाट हिज मूड वुड बी, तो श्योर कर लेते हैं, एनश्योर कर लेते हैं कि क्या उसका वहाँ पे मूड रहा है या क्या होगा, है ना, तो वो चीज़ एनश्योर करना वहाँ पे उनके लिए रहता है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं दिस वर्ड मर्क्यूरियल। तो आई होप दिस वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड If you are liking this video, so please subscribe the channel, share as much as you can, and also like the channel. Thank you for watching this video.